दोस्तों मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आज सिविल सर्विसेज डे पे आपको ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूँ और उन सारे विद्यार्थियों और एस्पिरेंट्स को जो यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने का मन बना चुके हैं अथवा मन बनाने जा रहे हैं उनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज के दिन कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जो मजा यूपीएससी की तैयारी में है वो और कहाँ, जो मजा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी में है वो और कहाँ, इस दौर में जुनून रहता है कायम और दिल हरदम जमा। एक आईएएस एस्पिरेंट को समझ सके ऐसा लोगों में जज्बात कहाँ, एक आईएएस एस्पिरेंट को समझ सके ऐसा लोगों में जज्बात कहाँ। भारत का संविधान हाथों में, भारत का संविधान हाथों में और हाथों में उसके सारा जहां। ये जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है, ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी है, इसकी भी अपनी एक टाइप है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस भर्ती होती है और इसी भर्ती की एक्चुअली मार्केट में, लोगों के बीच, समाज में हाइप है। टाइम ये वो है दोस्तों, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जब आप उसके एस्पिरेंट होते हैं, तो टाइम ये वो है दोस्तों जब आपको बहुत सारी फ्री में मिलती एडवाइस है। योजना कुरुक्षेत्र कंपलसरी, पॉलिटी यहां से, हिस्ट्री वहां से पढ़ लो, एनवायरनमेंट तो रोज ही एक नया सरप्राइज है दोस्तों। हर जाति धर्म वालों का, हर जाति धर्म वालों का द हिंदू ही सहारा है। द हिंदू अखबार की मैं बात कर रहा हूं। हर जाति हर धर्म वालों का द हिंदू ही सहारा है। सेक्युलरिज्म इज इन द बेस, सेक्युलरिज्म इज इन द बेस एंड सेक्युलर देश हमारा है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ये इस परीक्षा के तीन अहम हिस्से हैं। पीएमआई, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, इस एग्जाम के तीन हिस्से हैं। हर एस्पिरेंट के इन तीनों हिस्सों के पता नहीं कितने सारे किस्से हैं। प्रीलिम्स के पहले करनी पड़ती है मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी रिवाइज। रिजल्ट आते ही लाखों को मिलती है लख लख भर के सरप्राइज। रिजल्ट के दिन दिल की धड़कन तेज, रिजल्ट के दिन दिल की धड़कन तेज और सर्वर की रफ्तार होती है धीमी दोस्तों। और उसी समय बच्चन साहब का डायलॉग सुनील शेट्टी की आवाज में आती है, अरे लहरों से डर के नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे लाखों प्रीलिम्स में रह जाते, कई डिजर्विंग और कैपेबल कैंडिडेट देते हैं मेंस के पेपर 1, 2, 3 एंड 4। नो वन नोज कब हो जाता है डिसाइडिंग फैक्टर ऑप्शनल का स्कोर। इंटरव्यू में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का होता है पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का होता है पर्सनालिटी टेस्ट। सिलेक्ट वही होते हैं जो होता है बेस्ट आउट ऑफ द रेस्ट। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी एक बार वापस सिविल सर्विसेज के इस शुभ दिन पर आप सबको ढेर सारी बधाइयां शुभकामनाएं देता हूं और जो लोग इस साल प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनके लिए परमपिता परमेश्वर से ढेर सारी प्रार्थना करता हूं कि आप बेहतर रिजल्ट के साथ गुजरात में नंबर ऑफ सिविल एस्पिरेंट्स क्लियर करें और आने वाले समय में गुजरात की जमीन पर गुजरात के सिविल सर्वेंट्स बने। इन्हीं कामनाओं के साथ डॉक्टर पवन द्विवेदी आप सबको आज के दिन की बधाइयां देता हूं। धन्यवाद।